नमस्कार स्टुडिओत मैं परिमिता और एक मुहूर्त एक विशेष खबर लैसो मोर दुकान एपाक आगते दी आशीर्वाद एगी कर्मपटु युवतर एटी सहसी फेसबुक पोस्ट जी पोस्टे सोशल मीडिया निशा भरते भाइरल और विभिन्न जने युवतीगर विशेष पोस्टो विभिन्न जोगात्मक केपशनेरे शेयर करिसे छात्रीगर नाम रीतामणि बरा काकजान महाविद्यालय तृतीय सामनाशिकर छात्री रीतामणि और हताशाक प्रश्रय निदे रोदालिये क्यनो तई गढ़ी तुलिसे कर्मर आंदोलन तार स्लोगान खुजी नाखाओ करी खाम और आम देखाई विशेष पोस्टी जी पोस्टे सोशल मीडिया निशा भरते भाइरल और ये भाइरल हुआ पोस्टी किन्तु कोनो ऋणात्मक पोस्ट नहय कर्म संस्कृतिर एक आंदोलन गढ़ी तुलिसे एगराकी कणमानी छात्रीये और छात्रीगराकीर पोस्टे एक जोगात्मक खबर आमार समाजलै कढ़िया आनिसे क्यों अपने पोस्टि जदि भालदरे लक्ष्य करे हे पोस्टित लिखा आसिले मोर दुकानखनलै एपाक आहिबो होरुकै एखन दुकान दिसु आशीर्वाद करिबो केप्शन आसिल हेया आरु ताय एगराकी युवती गराकी एगराकी आत्मविश्वासी अति आत्मविश्वासी युवती हे हे एनेहेन दिनत ए युवती गराकीये हताखात नुभुगी कर्मर आंदोलन गढ़ी तुलिसे और युवतीगर घर टियकत तार एक सहसी फेसबुक पोस्टे निशा भरते भाइरल हो पड़िसिल जुगात्मक फेसबुक तो बहुत लोक विभिन्न धरण जुगात्मक केप्शन दी ताइक उदगनी दी ताइक उत्साह दी और तेउलुक बहुते शेयर करिसिले पुनर आहिसो रीतामणिर कथालै काकजान महाविद्यालय तृतीय सान्मासिकर रीतामणि बरार ए विशेष दुकानखन विचारि आजिर आमार ए यात्रा आरम्भ करिसिले टियगर संवाददाता समीरण बरठाकुरे संस्थापनर अभावत अनेके हताशाग्रस्त होइ परा देखा जाय तेने समयत तामुल पानर हे दुकानखनर परै ताइ आरम्भ करिसे कर्मर आन्दोलन ताइर एक मन्तब्य जे खुजि नाखाउ करि खाम प्रबल आत्मविश्वासी रोदाली एदिन सफल हुआर सपन लई एनेदरे आगबाढ़ी गैछे क्यनो युवतीगराकीये मनत एटाय आत्मविश्वास जे कामर कोनो हरुबर नाय क्यनो घरर पदुलिमुखते ताइ हे हे प्रथमते माटिते बढ़ी आरम्भ करिसिल एखन तामुल पानर हरु दुकान आरु देउतांगे देउताके बनाय दिसिल एखन सांग आरु ताते दुखे दुकानखनलै एतिया आहिसे ग्राहक जार बाबे रोदाली और मातृर मुखत हाँहि बिरिंगिसे और बहु संग्रामर मजत दिन कटवा रोदाली अर्थात रीतामणिर एक नतुन युद्धत सहारी दिसे फेसबुकर जनताय एक जुगात्मक बार्ता प्रेरण करिसे सोशियल मीडिया क्यनो रीतामणिर एक नतुन युद्धत सहारी दिसे फेसबुकर जनताय ताइ घरलै मानु आहिसे आशीर्वाद दिसे आरु हय फेसबुक पोस्ट उल्लेख करिसिले हरुकै एखन दुकान खुलिसु आहिबो आरु आशीर्वाद दिबो आरु तेने धरने काम होइसे ताइ आशीर्वाद पाइसे माक देउता खुखी होइसे आरु हे दुकानखनत गइ ताइ जि परिबेख आमार टियकर संवाददाता समीरण बरठाकुरे देखुवाले एया हसाय अति एक इतिबाचक खबर आसलते आरु सकलो समयते अत्यन्त आत्मविश्वासी एगराकी रोदाली जी फेसबुक पोस्ट ए फेसबुक पोस्ट जथेष फेसबुक जनता सहारी दिले और जार बाबे तीदिने समय और अधिक आत्मविश्वासी हो गई और रोदाल स्लोगान खुजी नाखाओ करी खाम गढ़ी तुलिम आंदोलन हताशाक प्रश्रय निदो और हताशाक प्रश्रय निदिया रोदाली रोदालिये एनेदरे आगबाढ़ी गैछे मनत प्रबल आत्मविश्वासे गढ़ी तुलिसे ताइ कर्मर आंदोलन और विभिन्न जने ताइ फेसबुकत दिया ए पोस्टो एनेदरे बहुत जुगात्मक केप्शन दि तेउ लोके ताइ ए फेसबुक पोस्टो शेयर करिसे और तार बाबे अति उत्साह उद्दीपनारे भरी पड़िसे रोदालिर मन और अनागत दिनत और अधिक आत्मविश्वासेरे काम करिबोलै आग्रही रोदाली ए मुहूर्तत रोदालिर होइते उपस्थित आछे आमार संवाददाता समीरण बरठाकुर जी समय विभिन्न समय हताशग्रस्त हीनमन्यतात भोगे कर्मर अभावर बाबे संस्थापनर अभावर समय ठीक हे समयते कोनो संकोच नकराकै एटा साहसी पदक्षेप ग्रहण करिले जे निजर घर घरखनर पदुलिमुखते ताइ दिले एखन दोकान
মোৰ ওচৰত আছে মোৰ কাষত আছে ৰোদালী। আমি যিহেতু ঈশান নিউজ আজি উপস্থিত হৈছোঁ সেই ৰোদালীৰ সেই বিশেষ দোকানখনত। আৰু ৰোদালীৰ দোকানখনত আমি বিভিন্নজনক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তোমাৰ তুমি কেনেকৈ এই চিন্তাটো আহিলে যে এখন দোকান মানে কি পৰিস্থিতিত তুমি এখন দোকান দিব লগা হ'ল? প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আচলতে মোৰ প্ৰকৃত নামটো ৰীতামণি বৰা। ফেচবুকত মই ৰোদালী নামেৰে পৰিচিত। বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ নিজে কিবা এটা কৰাৰ মোৰ এটা মন আছিলে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হ'ল, জানেই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যিখিনি লোক, লকডাউনটোৱে বহুত তেওঁলোকক ক্ষতি কৰিলে। বিশেষকৈ মোৰ পৰিয়ালটো, মোৰ দেউতাই দিন হাজিৰা কৰে। তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ল, তেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটো চলিবলৈ খুব কষ্ট হৈছিলে। মই তেতিয়াই মাক কৈছিলোঁ যে মোক এনেকৈ তামোল পাণ শাক পাচলিৰ সৈতে মোক দোকান এখন পদূলিতে দি দিব লাগে। আৰু তেতিয়া মায়ে কৈছিল যে ছোৱালী মানুহ এনেকৈ বহি থাকিলে কিজানি মানুহে বেয়া বুলিব। মই তেতিয়া মাক কৈছিলোঁ যে কামৰ সৰু বৰ নাই, মই যিহেতু কাম কৰি কষ্ট কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই সেইদৰে মোৰ জীৱনটো আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ, মোৰ পঢ়া শুনাখিনি আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ, মোৰ ঘৰখনক সকলোৰে লগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰোঁ। আৰু মোক মা দেউতাই মোৰ লগত যিখিনি কষ্ট কৰিছে, সেই কষ্টখিনি মই তেওঁলোকক মনৰ শান্তি দিব বিচাৰোঁ। তেতিয়াই মোৰ কথাখিনি মায়ে বুজি পাইছিলে আৰু মোৰ এই দোকানখন আজি 7 দিনমান হৈছে আৰু মোক মা দেউতাই দুয়োজনে দোকানখন খুলি দিছে আৰু মই এনেদৰে দোকানখন চলাই গৈছোঁ। আৰু আগলৈও মই যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, মোৰ পঢ়া শুনাখিনিৰ লগতে দোকানখন যাতে মই চলাই নিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।